आज मैं आपको कॉम होल्डर बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये दो कलर कॉम्बिनेशन लिया है। पहले मैं रिंग को कवर करूंगी। मैंने इसके लिए सभी बीड्स भी, मैंने ये भी दो कलर का लिया है, ये भी दो कलर का लिया है। इसमें मैंने एक नॉट लगा दी है। इसमें हम एक बार ऊपर से डालेंगे इसको। ये प्लास्टिक वायर से बना रही हूं मैं, और एक बार हम इसको नीचे से निकालेंगे। एक बार ऊपर से इस तरह, और दूसरी बार इसके नीचे से। एक बार ऊपर से एक बार नीचे से निकालने से हमारा ये एक नॉट कंप्लीट होता है। इस तरह का मेरा ये डिजाइन आएगा। इसमें ऊपर कर दिया मैंने। अब मैंने ये 64 कॉर्ड्स ली हैं, 32 मेरी एक कलर की हैं और 32 मेरी ये कलर है। अभी इसको मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। डाल दिए हैं इसमें। ये मेरी प्लास्टिक वायर है पतली वाली, इससे हम इसको एक जगह करके पूरा टाइट करके बांध देंगे। ये हैं रोज वाले, इसको मैं ये 6-6 धागे लूंगी, 6 प्लास्टिक वायर लेके इसके अंदर ये डाल दूंगी। इस तरह से हम इनको, मल्टी कलर है मेरे, एक बार मैं ये स्किन कलर का डालूंगी, एक बार लाइट पिंक कलर का डालूंगी। मैंने इसमें ये मोती डाल के और मैंने इसको बांध दिया है यहाँ पर। अभी मैं इससे आगे बनाना शुरू कर रही हूँ। इसको हमने चार भाग में डिवाइड कर लिया है, पूरे कॉर्ड्स को चार में बराबर बराबर डिवाइड किया है मैंने। एक में मेरा ये 32 है। ये हम एक को ऐसे पकड़ेंगे और दूसरे को इस तरह से पकड़ेंगे। नॉट लग जाती है, ये हमने नॉट लगाई है, तो इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे। एक एक कॉर्ड को पकड़कर इसको खींचना है, ऐसे डिजाइन हमारा बराबर हो जाएगा। इससे
इसको टाइट करके खींचना है। इस तरह से पकड़ेंगे। खुला खुला पकड़ना है थोड़ा, ताकि ये हमारी कॉर्ड्स आराम से अंदर से निकल जाएं।
लग गई हैं इसमें, ऐसे डिजाइन आ रहा है मेरा। नॉट तो आपको समझ में आ गई होगी। अभी यहां से हम ऐसे पकड़ेंगे, इसमें से इसको निकाल देंगे इधर को, बन गया है मेरा पूरा। अभी मैं फिर इसको नीचे बांध रही हूँ। बांध दिया नीचे, बन चुका है मेरा चोटी इधर पूरा। अभी इसमें मैं ये छोटा वाला मोती लगा रही हूँ। आगे खोल के दिखा रही हूँ। ये प्लास्टिक वायर हमारी जिसमें जिस साइड को इसमें बल लगे होते हैं उसकी अपोजिट साइड को इसको हम ऐसे करते हैं। ऐसे करने से हमारा ये अलग अलग होते जाते हैं इसके धागे, इस तरह से एक के अंदर तीन निकलते हैं ऐसे।
ये हमारे एक के अंदर ऐसे तीन निकले हैं ये। अभी इसमें से भी फिर खोल खोल के अभी पतला पतला इसके अंदर भी एक के अंदर फिर तीन निकलेगा, फिर हम इसको इसी तरह से घुमाएंगे। इस तरह से हम अपोजिट साइड को इसको घुमाएंगे तो हमारे ये अलग अलग इसमें निकल जाते हैं फिर धागे। ऐसे घुमाएंगे तो ये इस तरह से ऐसे दिखाई दे जाएंगे। ये हमारे तीन निकल गए, इतना पतला पतला इसके अंदर वायर निकलेगा। इसी तरह से हम सारे ये इनको वायर को खोल देंगे।